हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं रीना वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो देखिए, ये ब्लॉग है 9 तारीख का, 9 अक्टूबर का। तो देखिए, मैंने आज बनाई थी ककोड़ा की सब्ज़ी और रोटी। आज सादा बनाया था खाना, तो बस सब्जी रोटी बना के और खा पी के सारा बर्तन वर्तन धुल धुलू के सारा काम करके सुबह का जो होता है, बस अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। अपना कुछ तैयारियां करनी है मुझे। अब किस चीज़ की तैयारियां कर रही हूँ ये आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने ले लिया है खोया और कढ़ाई हो गई है हल्की सी गर्म, तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। एक्चुअली मैंने जो खोया बनाया था आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, तो ये वही खोया है। तो मैंने ये खोया ले लिया है, अभी मैं इसको दोबारा से कल्हार रही हूँ अच्छे से कढ़ाई में। इसका मैं बनाऊँगी केक बनाऊँगी घर पे ही, खोया का केक बनाऊँगी। तो देखिए, मैं धीमी आंच में इसको अच्छे से कल्हार लूँगी और फिर इसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ, इसमें कैसे केक बनाती हूँ, किस खुशी में बनाया जा रहा है, किसका बर्थडे है, तो आगे वीडियो में पता चलेगा ये किसके लिए बनाया जा रहा है केक। और जिसके लिए भी बनाया जा रहा है उसका फेवरेट है ये। अभी मैं इसमें डाल दूँगी वो मार्केट वाली आती है ना जो खुर्रा चीनी, वो डाल दूँगी, क्योंकि ये वाली चीनी डालो ना तो ये पिघलती ज़्यादा है, गीला गीला हो जाएगा, इससे तो अच्छे से सेट नहीं होगा, तो इस वजह से मैं खुर्रा चीनी डाल दूँगी। और इधर मैं चकले पर पीस लेती हूँ 2 इलायची, तो मैं इसमें इलायची पाउडर भी डाल दूँगी थोड़ा सा, तो खुशबू के लिए अच्छा रहेगा। और ये चीनी इलायची पाउडर डाल के मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। बस इसको चलाते चलाते ऐसे ही कम से कम 15 से 20 मिनट तक कल्हारिएगा। और इधर मैं साइड से अपने गरी को कद्दूकस कर लेती हूँ महीन महीन। तो बस देखिए, मैंने गरी भी कद्दूकस कर ली है और ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ने लगे जब ये खोया, तो समझ लीजिए पक गया। तो मैंने ये वो होता है ना ढोकला बनाने वाला ट्रे, तो उसमें मैंने नीचे नीचे थोड़ी गरी बिछा दी है ताकि ये निकलने में आसानी रहेगी। और बस देखिए, निकल तो आएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए अभी तले छोड़ रहा है खोया, तो निकल आएगा अच्छे से, सेट हो जाएगा। तो बस मैं इसको अच्छे से इसमें सेट कर देती हूँ, अच्छे से जमा देती हूँ। तो ये देखिए, हमारी केक बनकर रेडी हो गई है, बताइएगा कैसी लग रही है। चलिए अब चलते हैं, अगली तैयारी पे लगते हैं। तो ये देखिए, रसगुल्ले का पैकेट लाए थे गुलाब जामुन का, तो हम इस पाउडर वाले रसगुल्ले बनाएंगे आज। तो देखिए, पाउडर को निकाल लेते हैं एक थाली में और इधर गैस को कर देते हैं ऑन, चाशनी रख देते हैं पकने के लिए पहले से ही, क्योंकि जब तक हम आटा साटा लगाएंगे इसका तब तक चाशनी भी पकनी चाहिए। तो हमने रख दिए भगोने में चाशनी पकने के लिए। और इधर देखिए, मैं लगा रही हूँ आटा, तो आटे को लगाने के लिए चाहिए हमें दूध, तो मैं थोड़ा गुनगुना कर लेती हूँ दूध को, फिर लगाऊंगी इसी दूध से आटा। तो बस थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाइएगा और आटे को गूँथते जाइएगा जैसे नॉर्मल आटा गूँथते हैं इसी तरीके से। और ये देखिए, मैंने एक चूल्हे पे चढ़ा दिया है कुकर, कुकर में डाल दिया है पानी। एक्चुअली मैं बनाऊंगी आज आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, तो मैंने गोभी थोड़ा उसको भाप दे देती हूँ, क्योंकि गोभी वैसा आता है तो भाप देने से वो अच्छा भी हो जाता है और साफ़ भी हो जाता है अच्छे से। थोड़ा पानी में उसको भाप दे दूँगी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए उबाल लूँगी उसको। तो साइड से मैंने कुकर चढ़ा दिया है गोभी उबालने के लिए। और इधर मैं अपना आटा लगा ले रही हूँ जब तक रसगुल्लों के लिए। तो देखिए, इस तरीके से लगाइए आटा और बढ़िया बनते हैं रसगुल्ले, मेरे तो बहुत अच्छे बने थे और मैं जितने बार भी बनाती हूँ कभी नहीं बिगड़े आज तक, अच्छे ही बनते हैं। और इधर मेरी चाशनी भी पकती जा रही है,
तो ये देखिए मैं थोड़ा मसल के देख लेती हूँ बना के एक गोली सही से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। देखिए ये थोड़ा फट रहे थे, सही से बन नहीं रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा दूध लगा के ना मैं ऊपर से आटे में, और इसको रख दूँगी मैं थोड़ी देर फूलने के लिए ढक के। तब तक ये फूल जाएगा जब तक मैं अपना चाशनी देख लेती हूँ, और उधर गोभी भी उबल रहा है तो इसको भी देख लेती हूँ। तो देखिएगा मेरा गोभी उबल गया तो मैंने कर दिया है साइड। अभी मेरा आटा भी फूल गया तो मैं इसके लिए लोइयाँ काट लेती हूँ पहले। और इधर मैंने गैस पे कढ़ाई भी चढ़ा दी है और उसमें डाल दूँगी अभी रिफाइंड ऑयल। इधर देखिएगा मेरी चाशनी भी कितने अच्छे से खोल रही है, बस पकने ही वाली है। तो देखिए एक पैकेट में बन गए थे करीबन 35 रसगुल्ले, 36 लगभग बन गए थे अच्छे साइज के, बड़े साइज के। और ये देखिए मैंने चाशनी में डाल दिया है दूध साफ़ करने के लिए चाशनी को। और इधर मैं रसगुल्ले सेक ले रही हूँ, रिफाइंड हल्का गर्म हो गया है तो इसको हल्के गर्म में ही सेकते हैं। देखिए मैं डाल देती हूँ, आधे डाल देती हूँ, आधे सेक लूँगी क्योंकि एक बार में तो आएंगे नहीं, और दूसरी बार में मैं पूरे सेक लूँगी। तो देखिए इस तरीके से पहले थोड़ी सी लो आँच रखिए और थोड़ा थोड़ा फूल जाए तो फिर आप तेज़ कर दीजिए, और इस तरीके से सेकिए तो बढ़िया सेकते हैं, ना ही फटते हैं ना ही कुछ। तो देखिए मेरी चाशनी भी पक गई थी, मेरा एक घान सेक गया था तो मैंने थोड़ा ठंडा करके डाल दिया है चाशनी में। और अभी जब दूसरा घान सेका तो चाशनी हो गई है हल्की सी ठंडी, तो मैं ये गरम गरम ही डाल दूँगी और चमचा की हेल्प से इन पर चढ़ा दूँगी थोड़ी थोड़ी चाशनी। तो इधर देखिए मेरे रसगुल्ले भी रेडी हो गए हैं, और इधर साइड से मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो मैंने आलू काट के रख लिए हैं और कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल डाल दिया है तो ऑयल हो गया है गर्म, तो मैं इसमें जीरा और तेज़पत्ता डाल दी हूँ। अभी मैं डाल दूँगी हींग, और मैंने प्याज मिर्ची लहसुन ये चॉप करके रखा था तो ये डाल दूँगी, और बस इसको अच्छे से थोड़ा फ्राई होने दूँगी। थोड़ा देर फ्राई हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए, तो फिर मैं इसमें थोड़े से मसाले डाल दूँगी। ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, सादा सिंपल में ही बना रही हूँ। तो मैंने लिए धनिया, मिर्ची, हल्दी और काली मिर्च पाउडर, यही सब बेसिक मसाले जो होते हैं वही डाल दूँगी, और पानी डाल के। और मसाले जब थोड़े से भुन जाएंगे अच्छे से भुन जाए मसाले, तो इसी में आलू ऐड कर दूँगी। और आलू मैंने कच्चे ही काटे हैं, और मटर मैंने मंगाई है जो आती है ना फ्रीज वाली मटर आती है सफल मटर, वो मंगाई है, तो वो तो बहुत सॉफ्ट है ही, पर उसको भी मैं थोड़ा पानी में मैंने साइड से गैस पे रख दी है थोड़ा उबलने के लिए, थोड़ा नमक डाल के, क्योंकि वो आती है ना तो उसमें पता नहीं कैसी महक महक टाइप की आती है, थोड़ा गर्म पानी में उसको निकाल लो तो अच्छा रहता है। और ये देखिए गोभी जो मैंने हल्का सा बॉईल करके रखा था वो भी इसी में डाल देती हूँ। आलू जब आधे अच्छे से कलर जाएँ तब डालूँगी मैं गोभी, और सबसे लास्ट में डालूँगी मटर, क्योंकि मटर तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है तो मैं जल्दी पक जाएगी तो मैं वो बाद में डालूँगी। तो देखिए मेरे अच्छे से आलू गोभी फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसी में मटर ऐड कर दे रही हूँ, और बस इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, अपने हिसाब से टमाटर भी डाल दिए हैं। और देखिए यहाँ बीच में क्या हुआ कि मैंने जिस कटोरे में मटर उबाला था वही मैंने गर्म गर्म पकड़ लिया हाथ से, तो मेरे हाथ की चार उंगलियाँ जल गई, तो मैं पकड़ नहीं पा रही थी कड़छी गर्म गर्म, तो बस मैंने वो बगल में बैठे थे भैया तो उनसे कहा थोड़ा चला दो सब्जी, तो उन्होंने चलाई। और ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है सब्जी में और गरम मसाला डाल दिया है, अभी देखिए सब्जी अच्छे से खोल गई है, और इसको अब मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। तो सब्जी अच्छे से पकने के बाद मैंने उसमें डाल दिया धनिया, और इधर देखिए मैंने आटा लगा लिया था जब तक सब्जी पक रही थी, तो मैंने लगा लिया था आटा क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना है तो बस, और खाना होगा कम से कम हो जाएगा 15-16-17 लोगों का खाना। तो देखिए मैंने पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दिया है, तो पहले मैंने जब तक कढ़ाई में डाला रिफाइंड वो गर्म हुआ तब तक मैंने बेल ली हैं बहुत सारी पूड़ियाँ, तो अभी मैंने तलना शुरू कर दिया है, और अभी मैं तलती भी जाऊँगी पूड़ियाँ और बेलती भी जाऊँगी। खाना बन के हो गया है, देखिए सभी लोग आ गए हैं। केक काट लेते थे पर इस साल बच्चों की भी जिद थी कि पापा का बर्थडे मनाएंगे, तो मैंने कहा चलो घर पर ही अपने परिवार वालों के लोग साथ मना लेती हूँ। तो देखिए देखिए बच्चे डांस कर रहे हैं और बुआ जी सिखा रही हैं गोली को डांस, तो देखिए ये हो रहा है डांस इंजॉय कर।
तो देखिए गाइस, वीडियो हो रहा था लंबा तो मैंने सोचा क्लिप डाल देती हूँ सबकी। तो ये देखिए, सभी लोग आए थे और सब ने अच्छे से बर्थडे मनाया। तो बस गाइस, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।